सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपका 8 फरवरी के दिन एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए आपका पेपर होने वाला है। तो आपको सेक्शन डी यानी कि आपके लेसन से जितने भी सारे क्वेश्चंस आते हैं ना, 32 नंबर के कुल क्वेश्चन आते हैं भाई। 32 नंबर अगर कंप्लीट करना है ना, तो ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना, आपके 32 नंबर कोई नहीं खा पाएगा। ये क्वेश्चन बस कंप्लीट कर लेना, क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं रह गया। और ये सारे जिसने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, तो आपके 32 नंबर मानो कंप्लीट है ना। देखिए, एक्सट्रैक्ट पूछे जाते हैं 12 नंबर के, आपका जो है कुल 44 नंबर का सेक्शन डी आता है। लेकिन मैं केवल केवल क्वेश्चन बता रहा हूँ आपके चैप्टर्स के, है ना। आपके जो है फ्लेमेंगो के होंगे, विश्वास के होंगे, प्रोज पोएट्री, सारे क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग टाइप होंगे, शॉर्ट टाइप होंगे क्वेश्चन, है ना। आपके क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ ओनली, है ना। एक्सट्रैक्ट आते हैं आपके 12 नंबर के अलग से 3, है ना। तो आप वो कर ही लेंगे, है ना, इन्हीं लेसन्स के रहते हैं। ये 32 नंबर हम कंप्लीट कर लेते हैं क्वेश्चंस के तौर पे। मैं केवल क्वेश्चन क्वेश्चन बताऊंगा, आपके पास गाइड होगी, प्रश्न बैंक होगी, आपके पास जो भी है सॉल्यूशन के तौर पर, उसमें आप जरूर से क्वेश्चन जल्दी से देख लें, तैयार कर लें, क्योंकि अभी वक्त नहीं है आपके पास, जल्दी से, है ना। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन दी बुलेटिन बोर्ड, है ना। ये सारे क्वेश्चन जो बता रहा हूँ आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएंगे, और आपको कर ही लेना है याद, है ना। तो ये देख रहे हैं हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ये फ्लेमिंगो की प्रोज से होंगे, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन रहेंगे आपके, देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर, और यहाँ पे देख सकते हैं सारे क्वेश्चन। मैं आपको क्वेश्चन क्वेश्चन जल्दी जल्दी दिखाते जाता हूँ। और डूएस डायरेक्ट का वीडियो डल चुका है, और आप फिल इन द ब्लैंक्स का वीडियो डल चुका है, जिसमें टॉप 40-40 बताए हैं, तो कर लेना जा करके, क्योंकि अगर वो मिस कर दिया ना, तो आपके वो 5-10 नंबर कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, है ना। तो जल्दी से वीडियो देख लेना, और ये रहेंगे आपके क्वेश्चंस। तो देख सकते हैं आप ये सारे क्वेश्चन जिस विद्यार्थी ने कर लिए, तो बहुत सारे अंक अपने जो है कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि ये टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट ये रहेंगे आपके। इसके बाद सारे आपके क्वेश्चन दिए ही गए हैं, तो मैं एक एक करके नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आपके पास वक्त ज़्यादा नहीं बचा है। आपको केवल और केवल इन क्वेश्चंस को अपनी गाइड में लिख लेना, टिक लगा लेना है, और वही वही याद कर लेना है, क्योंकि आप सारा कुछ पढ़ेंगे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, और आपको जो भी आता भी है तो भूल जाएंगे, तो क्या मतलब क्या ही कर पाएंगे पेपर में। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। ये क्वेश्चन रहेगा आपका अगला 19वें नंबर का। मैंने कुल इसमें 40 क्वेश्चन रखे हैं, तो मतलब अलग अलग पार्ट में है सब क्वेश्चंस दे रहेंगे। ये 33 कुल आपके शॉर्ट प्रोज के क्वेश्चन बताए हैं, 33, है ना। ये देख सकते हैं यहाँ पे, तो शॉर्ट फ्लेमिंगो के पोएट प्रोज के क्वेश्चन खत्म होते हैं। इसके बाद शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं फ्लेमिंगो के पोएट्री से, है ना। तो जो भी इससे क्वेश्चन बनते हैं देख लेते हैं सारे सारे। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत ही छोटे आंसर हैं इनके, आपको आसानी से याद हो जाएंगे, कर ही लेना है। ये मत छोड़िएगा, क्योंकि आपका पेपर जो है बिल्कुल इन्हीं में से पूछा जाएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और उन्हीं चैप्टर्स के हैं जो कि पूछे जाएंगे। देखिए, तो फ्लेमिंगो कंप्लीट है भाई। अब विस्टास के जो क्वेश्चन आपके बन रहे हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, वो देख लेते हैं। व्हाट डज द वर्ड थर्ड लेवल रेफर टू, है ना। ये सारे क्वेश्चन जो है कर लेना। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये सारे क्वेश्चन दिए हैं विस्तार से हमको। यहाँ पे 18 क्वेश्चन दिए हैं आपको शॉर्ट टाइप, और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो फ्लेमिंगो की बात करें भाई, हमने शॉर्ट टाइप क्वेश्चन तो फ्लेमिंगो से देख लिए। अब अगर लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की बात करें फ्लेमिंगो से, तो ये सारे क्वेश्चन रहेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार से सारे सारे क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं। ये क्वेश्चन जरूर कर लेना, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन जिसने कर लिए भाई, तो अपना एक अच्छा स्कोर आप अचीव कर पाएंगे, और करना चाहिए, क्योंकि आपने अगर साल भर मेहनत नहीं की है, तो कम से कम पेपर के 1-2 दिन पहले तो पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ही अंक मिल रहे हैं। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन हो जाते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, जो आपके रहेंगे फ्लेमिंगो की पोएट्री से, है ना। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देख लीजिए, देख लिए हमने ऊपर। अब ये फ्लेमिंगो के ही हैं पोएट्री के, लॉन्ग टाइप, है ना, थोड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं ये, तो ये 3 नंबर में ही पूछा जाएगा, इससे बड़ा नहीं नंबर बनेगा। देखिए, ये रहेंगे आपके क्वेश्चन, कुल टॉप 5 बताए हैं मैंने ये, है ना। इसके बाद आपका ये विस्तार के जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहेंगे, थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन हो जाते हैं, और इनके आंसर आपको अच्छी तरीके से कर लेने हैं। और जो सेंट्रल आइडिया या फिर समरी कही जाए चैप्टर की, लेसन्स की, तो वो आप जरूर से 2-3 की कर लेंगे टॉप टॉप की, तो कर ही लेने हैं। इस प्रकार से आपके सारे क्वेश्चन जो हैं कम्प्लीट होते हैं। देखिए, मैंने क्वेश्चन क्वेश्चन बताए हैं, आप लोग आंसर जरूर से ढूंढ करके याद कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर अगर आपने कर लिए, तो आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी एग्जाम में। और इसी प्रकार से हम हर एक सब्जेक्ट की तैयारी आपकी करवाते जा रहे हैं आपके पेपर के लिए। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर एक वीडियो आपको मिल सके, आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।